औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ईपीआई के एंट्रेंस के हवाले से बात करेंगे। आपके पास कोई ईपीआई का बच्चा आता है तो आपने उसको किस तरह एंटर करना है। आप इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड खोलेंगे, अगर उनके पास चिप वाला कार्ड है, सिम वाला, तो आप उसको जी हाँ करके उसको स्कैन का ऑप्शन है आपके पास, स्कैन कर लेंगे। अगर वो नहीं है, उनके पास सिर्फ दूसरे वाला कार्ड है या उनके पास आईडी कार्ड नंबर है, तो आप इसको नो करेंगे। नो करके उसका मैनुअल शनाख्ती कार्ड एंटर करेंगे। जैसे अब मैं कर रही हूँ 3840321532279, ये आईडी कार्ड है। इसको आप सर्च करेंगे। इसको सर्च करने के बाद जो है न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन ये किसका, किसी एक का जो है इंतखाब करें। मरीज़ का अपना है, मरीज़ की वालदा का है, मरीज़ के वालद का है, मरीज़ के वालद का है, ठीक है। फादर का आईडी कार्ड है, बच्चे का नाम है मोहम्मद शहजाद, ठीक है। इसका सेल नंबर, क्योंकि ऑलरेडी इसके फादर हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, तो सेल नंबर हमारे पास है, मतलब जो भी पेशेंट का सेल नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। ठीक हो गया, मैंने दोबारा से कर दिया है। इसका एड्रेस जो भी होगा आपके पास, जिस लोकेलिटी से भी बच्चा आया, आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। हम इसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहे हैं 11th September 2023। डन हो गया। अच्छा, अब देखें उसमें ऑप्शन, वो डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तहसील भी सिलेक्टेड है, यूसी हम कर UC88SB। अच्छा, एरिया का ऑप्शन, एरिया सिलेक्ट नहीं होता। जेंडर में मेल है, ब्लड ग्रुप NA, फादर CNIC, आप वही वाला जो फादर वाला है वो भी लिख सकते हैं। और आप जो है 111 इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फादर नेम है मोहम्मद शहबाज, इसकी मदर नेम है लुबना, ठीक है। आपने इसको सबमिट करवा दिया। ये सबमिट हो गया। ऐड वाइटल्स में आप जाएंगे। ऐड वाइटल्स के बाद अब इसके आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और बर्थ सर्टिफिकेट। आप इम्यूनाइजेशन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब चूँकि बच्चा 42 डेज से ज़्यादा हो गया, इसके हमने 11 सितंबर डाली थी OPV और HB, इसको लग गया 11 सितंबर को ही बर्थ डोज। आपने जिस हिसाब से, जिस जो डेट होगी आपने उस हिसाब से डालना है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि किसी दूसरी यूसी में बच्चा रजिस्टर्ड होके आता है, दूसरी यूसी से उसकी पहली वैक्सीनेशन हो जाती है, तो आप जो है उसको पीछे इसी तरह एंट्रीज कंप्लीट कर लेंगे, कर देंगे। 20 को इसको हेप बी लगाए। अब चूंकि ये 42 डेज से ज़्यादा है, इसके OPV1 रोटा की ऑप्शन आ रही है, तो आज हम इसको वैक्सीनेट कर देंगे। 17 को इसको पेंटा फर्स्ट लगा दिए, ठीक है। इसी तरह ये कंप्लीट हो जाएंगी और आप इसको कैप्चर कर लेंगे। ये टेस्ट एंट्री है, ये टेस्ट एंट्री है हमारी तरफ से, ठीक है। ये जो है इसको आपने पिक्चर ले ली और ये सबमिट हो गया, ठीक है। आफ्टर सबमिशन आप इसको बैक जाएंगे। ये देखें आपके पास ये बच्चा मोहम्मद शहजाद सेव हो गया। आप चेक करेंगे तो इसके एंट्रीज ये देखें कंप्लीट हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।